हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नव्या आर्ट हैंड्स। आज मैं आप लोग के साथ फिर से एक बार नाउन की वर्कशीट शेयर करती हूँ। ये शीट्स बहुत इजी हैं, बच्चों की डेली प्रैक्टिस के लिए हैं। अभी ये शीट्स मैंने नव्या के अकॉर्डिंग बनाई है, आप इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं शीट शेयर करती हूँ। अगर आपको ये वर्कशीट्स पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जो हमारी फर्स्ट शीट है वो है सर्कल द नाउन इन ईच सेंटेंस। मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं। यहाँ पर नव्या को क्या करना था, नव्या को नाउन फाइंड करके उसको सर्कल करना था। फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स है, मैंने यहाँ पर नाउन्स लिखे हुए हैं और ये सेंटेंसेस हैं। इसमें रीड करना है नव्या को और उसके बाद इसमें से करेक्ट नाउन फाइंड करके यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है व्हाट इज़ अ नाउन। व्हाट इज़ अ नाउन, मैंने यहाँ पर ए बी सी दिया है नव्या को, तो उसको इसमें से फाइंड करना है विच इज़ करेक्ट और उसको अंडरलाइन करना। नेक्स्ट है हमारा सर्कल द नाउन इन द सेंटेंस ब्लू। ये सेंटेंस है, इसमें नाउन को सर्कल करना है। नेक्स्ट द वर्ड लाइब्रेरी इज़ अ। लाइब्रेरी क्या है, पर्सन है, थिंग है और प्लेस है, तो यहाँ पर जो है उसको सर्कल करना है। नेक्स्ट है राइट थ्री नाउन That name a place। यहाँ पर थ्री place के name लिखने हैं। Same here, write three noun that name a person। यहाँ पर person के name लिखने हैं। Write three noun that name a thing। और यहाँ पर things के name लिखने हैं। उसके बाद next जो हमारी sheet है वो है add s और es to each word below to make it plural। Now यहाँ पर मैंने हिंट दिया है कि हमें एस और ई एस कहाँ पर यूज़ करना है। तो इफ़ नाउन एंड्स इन और एस एच देन वी नीड टू ऐड ई एस टू मेक इट प्लूरल। तो यहाँ पर मैंने नव्या को ये समझाया, जहाँ पर ये वाली साउंड की जो एंडिंग है तो वहाँ पर हमें ई एस ऐड करना है। यहाँ पर मैंने उसको वर्ड्स दिए हैं, उसको यहाँ पर लास्ट के साउंड देखना है, उसके बाद उसको ऐड करना है। जैसे यहाँ पर है बी यू एस, तो यहाँ पर साउंड है लास्ट में S, तो हमारे जब ये वाला साउंड आया तो हमें लगाना है यहाँ पर ई एस। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप वो है ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ईच नाउन दैट नेम्स वन टू द फॉर्म ऑफ दैट नाउन देन नेम मोर देन वन। अब यहाँ पे मोर देन वन में हमें क्या करना है, जैसे चाइल्ड इज वन तो चिल्ड्रन मोर देन वन, इस तरह से ये मैच करने हैं। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट शीट है उसमें क्या है ई एस एस ई एस एस ई एस। मैंने अभी यही वर्कशीट रिपीट करी है पर थोड़ा डिफरेंट वे में। यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस दिए हैं, यहाँ पर मैंने खाली डिश लिखा है। तो अब जब बच्चे ये वाला जो एस ई एस उनको जब समझ आ जाएगा कहाँ पर लगना है, तो वो क्या करेंगे लास्ट का साउंड देख के यहाँ पर करेक्ट वर्ड यूज़ करेंगे, ई एस आएगा या फिर एस आएगा। नाउ नेक्स्ट सर्कल ईच नाउन। मैंने यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं तो यहाँ पर नव्या को करना है सर्कल नाउन का। और ये जो हमारी आज की लास्ट वर्कशीट है वो है अंडरलाइन द नाउन एंड राइट एस इफ इट इज सिंगुलर और पी इफ इट इज प्लूलर। नाउ सिंगुलर और प्लूलर में नव्या को ये फाइंड करना है कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूलर है। तो सिंगुलर वेयर इज माई बुक, तो मैं यहाँ पर बुक पर अंडरलाइन किया हुआ था, देन उसने यहाँ पर लिखा है सिंगुलर। योर शूज़ आर रेड, शूज़ अंडरलाइन किया हुआ है, देन इसने लिखा है प्लूलर। इस तरह से हमें शीट कंप्लीट करनी है। आज की वीडियो में बस ना ही, मैं आप लोगों के साथ ऐसी न्यू शीट शेयर करती रहूँगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।